कल अफगानिस्तान के काबुल के पास करते परवान गुरुद्वारा साहिब पर आतंकियों द्वारा हमला किया गया। इस हमले में एक सुरक्षा बल और एक सिख श्रद्धालु की मौत बताई जा रही है, वहीं कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। घटना के बाद दुनिया भर में इस मामले की चौतरफा निंदा की जा रही है। वहीं आज अम्बाला में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य हरपाल पाली की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए भारत सरकार से इस मुद्दे पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की मांग रखी गई। सिख समाज का कहना है कि अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले होना कायराना कदम है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पिछले साल भी अफगानिस्तान में हिंदू और सिखों पर हमले किए गए थे, जिसके बाद वहां से पलायन भी हुआ था। अब एक बार फिर से वहां पर डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। सिख समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अफगानिस्तान में सिख समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। आज एक बहुत बड़ी दर्दनाक घटना हुई है, जिस घटना के बाद दुनिया में बहुत ही निखेधी की जा रही है और एक ऐसा अफगानिस्तान में काबुल गुरुद्वारा है, काबुल शहर में करते परवान, जहां वहां के बड़े खतरनाक आतंकियों ने, जिनका मैं समझता हूँ आतंकी का कोई दीन मजहब धर्म नहीं हुआ करता, और वहां गुरुद्वारा साहब में हमला कर दिया, एकदम अंधाधुंध फायर कर दी। फायरिंग के अलावा वहां पे गुरुद्वारा साहब में आग लगा दी गई, और जिसमें जो खबर आ रही है, काफ़ी संगत और जो गुरुद्वारा साहब के सेवादार थे वो शहीद हो गए हैं, उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। जिस खबर से जहां सिखों के हृदय, सिखों के मनों को आघात पहुंचा है, वहां मैं समझता हूं पूरे भारतवर्ष के जो दुनिया में रह रहे हैं सबके मनों को आघात पहुंचा है, और इसकी हम सख्त लफ्जों में निंदा करते हैं। ऐसी घटनाएं जो बार बार होती हैं, अफगानिस्तान में इसी शहर में 1 अक्टूबर में भी घटना हुई थी, जिसमें बहुत सिख परिवारों के बच्चे और जो संगत वहां पे माथा टेकने गई थी वो भी काफ़ी मौत के घाट उतारे गए थे। उसके बाद वहां सिखों में और हिंदुओं में डर का माहौल बन गया था, और अब दोबारे से फिर यह घटना हुई है, और हम इस घटना की निंदा करते हुए भारत की सरकार से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री जी से, विदेश मंत्री हमारे भारत के, उनसे आग्रह करते हैं कि वहाँ सिखों की, हिंदुओं की जान माल को सुरक्षित करने के लिए सुनिश्चित किया जाए। वहाँ के जो हमारे देश में बैठे राजदूत हैं, अम्बेसडर हैं, उनको फौरन तौर पे तलब किया जाए, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है। जान बुझ के वहाँ जो मिनोरिटीज हैं उनको डराने का काम किया जा रहा है, वहाँ से भगाने का काम किया जा रहा है, और आज इसीलिए हमने सरकार को ये मैसेज देने के लिए, और इसी तरह से हम सोमवार को अम्बाला शहर के डीसी महोदय को सरकार के नाम लिखती तौर पर एक ज्ञापन भी देंगे और भारत सरकार के नाम देंगे, ताकि ऐसे ऐसे जो ये घटनाएं होती हैं वो आगे से ना हो।